फिजिकल फार्मास्यूटिक्स यानी फिजिकल फार्मेसी सेमेस्टर नंबर 3 थर्ड सेमेस्टर का हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फिजिकल फार्मास्यूटिक्स। हम लोग इससे पहले दो यूनिट पढ़ चुके थे ना, फर्स्ट पढ़ चुके थे और थर्ड पढ़ चुके थे। उसके सारे नोट्स वेबसाइट पे है और उसके सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे हमारे चैनल पे अपलोड है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 4। आसान है, बहुत ईजी है, इसी तो सभी है फार्मेसी में। चैप्टर कराते हैं कॉम्प्लेक्सेशन एंड प्रोटीन बाइंडिंग की। कॉम्प्लेक्सेशन क्या होता है और इसका हमारी बॉडी पे असर क्या होता है, पहले स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। देखो फिजिकल फार्मास्यूटिक्स क्या पढ़ते हैं, दवा के बारे में क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं। तो दवाइयाँ जो होती है उनके बीच कॉम्प्लेक्स ऑफ फॉर्मेशन भी होता होगा। भाई कई मेडिसिन आपस में मिलाते हैं तो बॉन्डिंग कर लेता होगा, मेडिसिन के साथ एक सीक्रेट है उससे बॉन्डिंग कर लेता होगा तो एक बाइंडिंग करता है, या ड्रग हमारी बॉडी में जाता है तो हमारे प्रोटीन से बाइंड करता है। तो कॉम्प्लेक्स से वो जब बनाता है ड्रग किसी दूसरे के साथ, कॉम्प्लेक्स क्या है, कोई एक चीज ए है कोई एक चीज बी है, दोनों जुड़ गए, दिस इज कॉम्प्लेक्स, किसी और जुड़ गए और कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स, मतलब ये तो कॉम्प्लेक्स ऐसा है। तो ये बॉडी के बाहर भी हो सकता है और बॉडी के अंदर भी हो सकता है। हम दवा खाते हैं, बॉडी के अंदर गया, प्रोटीन से बाइंड किया, फैट से बाइंड किया, लिपिड से बाइंड किया, अंदर भी कॉम्प्लेक्सेशन हो रहा है, बाहर एक सीक्रेट से बाइंड कर लिया, किसी और मेडिसिन से बाइंड कर लिया, वहां भी कॉम्प्लेक्सेशन हो रहा है। तो कभी कभी हमारे लिए कॉम्प्लेक्सेशन अच्छा भी होता है और कभी कभी कॉम्प्लेक्सेशन हमारे लिए बुरा भी होता है। तो हमको इस पूरे चैप्टर में यही पढ़ना है कि कॉम्प्लेक्सेशन है क्या और उसका हमारी बॉडी में रोल क्या है, ठीक है, वो हमारे लिए अच्छा है या हमारे लिए बुरा है इसको हम समझेंगे। तो कॉम्प्लेक्सेशन समझने से पहले कॉम्प्लेक्स क्या होता है आप जानते हो। तो कॉम्प्लेक्स क्या है कि जब कोई भी दो मॉलिक्यूल, दिस वन या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल आपस में केमिकल बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाए, आपस में केमिकल बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाए, दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्सेशन, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्सेशन। अच्छा एक बहुत खास वर्ड आता है कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। इस पूरे चैप्टर में हम लोग कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स की ही बात करेंगे या इस पूरे चैप्टर में हम मेटल आयन कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे। कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स को ही मेटल आयन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, ठीक है, हम इसकी भी बात करेंगे। तो आगे डिस्कस करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे इसकी। कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स क्या होता है इसको समझिए, एक होता है मेटल एटम, क्या होता है मेटल एटम, मेटल एटम के पास जिसके पास क्या होता है वैकेंट डी ऑर्बिटल। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने कोई मेटल ले लिया निकिल, कितना था डाटा नंबर, डाटा नंबर निकिल, हाँ एससी तिवारी वेरी क्रूर मैन फेको निकिल कॉपर जिंक निकिल 28 28 28 29 30 28। अब अगर इसको हम बनाएंगे क्लासिफिकेशन करेंगे तो लास्ट में आएगा 3D8, क्या आएगा 3D8 को हम ड्रॉ करेंगे तो हम ये पाएंगे कि डी वाले में 5 और 1 2 3 4 5 6 7 8 अभी दो ऐसे हैं जो अनपेयर्ड है, ये दो क्या है अनपेयर्ड। अगर ये चला जाएगा एक्साइटेड स्टेट में तो एक्साइटेड ग्राउंड स्टेट से चला जाएगा एक्साइटेड स्टेट में तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, अब इस तरह से पेयर्ड हो जाएगा तो अब ये वाला पूरी तरह से वैकेंट है। अब ये मेटल के पास क्षमता है कि दो इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अच्छा आपने इससे पहले पढ़ा था लिगेंड क्या होता है, कोई भी ऐसा एटम जिसके पास लोन पेयर हो, जैसे अमोनिया, अमोनिया के पास एक लोन पेयर, जैसे वाटर, वाटर में ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर। तो कोई भी ऐसा एटम जिसके पास लोन पेयर होता है उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तो अब लिगेंड क्या कर सकता है इस मेटल को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। देखो डोनेट कर दिया, ये लिगेंड अपना एक पेयर इलेक्ट्रॉन जिसमें फ्री है ये मेटल को दे सकता है, जब मेटल को देगा तो इसका पूरा हो जाएगा, या ये वाला इसको दे सकता है। तो जब मेटल और लिगेंड के बीच इस तरह से कोई बॉन्डिंग होती है या इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो इनके बीच एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, जिसमें एक पेयर इलेक्ट्रॉन दिखावे ग्रुप पे देते हैं, ऑक्टेट इसका पूरा है इसका भी पूरा है, इसको दिखावे ग्रुप पे दे रहे हैं, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इस केस में मेटल और लिगेंड के बीच, देखो ये लिगेंड है ढेर सारे, लिगेंड के बीच एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसे कहते हैं कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। क्यों कहते हैं कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स, बिकॉज दिस इज बॉन्ड, इट इज बॉन्डेड विद द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अगर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बंधा हुआ है इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। क्लियर हो गया। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के लिए दो चीज चाहिए, एक मेटल चाहिए एक लिगेंड चाहिए। मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए और लिगेंड के पास लोन पेयर होना चाहिए, ये दो चीजें होंगी तो क्या बनेगा कॉम्प्लेक्स। तो वहां पे जो भाई बाकी जगह कॉम्प्लेक्स बनता है या तो आयनिक बॉन्ड से बनेगा या तो कोवेलेंट बॉन्ड से बनेगा, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड से बनेगा, लेकिन कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स में जो बॉन्ड बनता है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बनता है।
अब इस कॉम्प्लेक्स बनने के फायदे क्या है, नुकसान क्या है? देखिए कॉम्प्लेक्स बनने से क्या होगा कि आपका ड्रग जो है, कुछ फायदे की बात कर लेता हूं, जो हमारा ड्रग है उसका पार्टीशन कोफिशिएंट, उसका एब्जॉर्प्शन, उसकी परमिबिलिटी, उसकी सॉल्युबिलिटी, उसकी बायो अवेलेबिलिटी, उसका एक्सक्रीशन, उसकी सारी प्रॉपर्टी बदल जाती है। सारी प्रॉपर्टी क्या होती है, बदल जाती है। मान लीजिए हमें कोई ड्रग की प्रॉपर्टी कुछ और चाहिए, वो हमको नहीं मिल पा रही है, किसी दूसरे के साथ कॉम्प्लेक्स बना दिया, हमारा काम हो गया। एग्जांपल समझ लो, जैसे हमारे पास कोई एक लाइकोफिलिक चेन, देखो ये हमारे पास स्क्वेयर्स कर रहा हूं, ये कोई हमारे पास लंबी चेन हाइड्रोकार्बन की। अब ये लाइकोफिलिक चेन क्या होता है, अब ये पानी ऑयल तेल में पानी में घुलेगा ना, ये ऑयल में घुलेगा, हाइड्रोफिलिक तो होता नहीं। तो अगर हम क्या करें, इसमें किसी पोलर ग्रुप के साथ COOH लगा दो या CHO लगा दो या कुछ OS ग्रुप लगा दो, यानी किसी अलग अलग पोलर ग्रुप के साथ इसको कॉम्प्लेक्सेशन कर, यानी अलग अलग ग्रुप जोड़ कॉम्प्लेक्स बना दे, तो अब ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, वाटर सॉल्युबल हो जाएगा, ये हाइड्रोफिलिक हो जाएगा। तो किसी भी ड्रग की सॉल्युबिलिटी नेचर को चेक करने के लिए, पार्टीशन कोएफिशिएंट को चेंज करने के लिए, कई प्रॉपर्टीज को चेंज करने के लिए कॉम्प्लेक्सेशन का बड़ा महत्व है। हम कॉम्प्लेक्सेशन के द्वारा उसकी प्रॉपर्टीज को पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं। तो हम कैसे प्रॉपर्टीज चेंज करते हैं, क्या क्या इफेक्ट होता है, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, इस पूरे लेक्चर्स में आने वाले जो चैप्टर्स हम पढ़ेंगे उसमें हम समझेंगे। कुछ साइड इफेक्ट भी जान लेते हैं, नुकसान जान लेते हैं। कोई ड्रग है उसका जब कॉम्प्लेक्स बना लेता है वो एक्सिपिएंट के साथ मिलकर या किसी और ड्रग के साथ मिलकर, तो उसका साइज घटेगा कि बढ़ेगा? कॉम्प्लेक्स बनाने से साइज घटता है कि बढ़ता है? बढ़ेगा ना भाई, हम अकेले थे, 5 इकट्ठा होकर हमारा साइज बढ़ गया। तो जब साइज बढ़ता है तो ड्रग के एब्जॉर्प्शन पे असर पड़ता है, क्योंकि हमारा ड्रग स्किन से एब्जॉर्ब होना है या ब्लड में एब्जॉर्ब होना है, तो पोर्स होते हैं उसके द्वारा जाता है सेल में। जब पार्टिकल साइज बड़ा हो जाएगा तो पोर को पास कर पाएगा, नहीं पास कर पाएगा, तो इस केस से एब्जॉर्प्शन भी घटता है। तो कहीं कहीं पर ड्रग के कॉम्प्लेक्स होने का कारण रीजन ये है कि एक्सक्रीशन नहीं होता है, एब्जॉर्प्शन खराब होता है, कहीं कहीं पर उसका एक्शन घट जाता है, तो कहीं पर फायदा है और कहीं पर नुकसान है, चोली दावन का साथ रहता ही इसका। तो ये हम समझ गए, हमारे नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन। पूरे चैप्टर में तो क्लासिफिकेशन ही पढ़ना और सबका डेफिनेशन पढ़ना चैप्टर खत्म। तो क्लासिफिकेशन की बात करें तो कॉम्प्लेक्स कितने प्रकार के होते हैं, नेचर के बेसिस पर डिवाइड किया गया है। कॉम्प्लेक्स को हम बांट सकते हैं 3 भागों में, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स, ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स और इंक्लूजन या ऑक्लूजन कॉम्प्लेक्स। मैं एक बार रफली आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, क्योंकि आगे वाले चैप्टर में इसको हम सारे को डिटेल में पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स मैंने थोड़ी देर पहले बात की कि एक लिगेंड होना चाहिए, एक मेटल होना चाहिए, मेटल के पास लिगेंड ऑर्बिटल होना चाहिए, लिगेंड अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, बेस पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा और एक कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स तैयार, यही होना चाहिए। तो अब उसमें भी ऑर्गेनिक है, चेलेनिक है, एरोमेटिक है, इसको बताएंगे बाद में। दूसरा ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स, जब किसी कोई दो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बीच, यानी बेसिकली अगर कार्बन के बीच, यहाँ पे मेटल और लिगेंड के बीच हो रहा था, अब कार्बन कार्बन के बीच अगर जो बॉन्डिंग हो रही है तो कैसे बॉन्डिंग होती है, तो भैया कोवेलेंट होती है या तो आयनिक होती है। तो जब कोवेलेंट और आयनिक टाइप की बॉन्डिंग हो रही है तो वहां भी क्या होता है, हमारा ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स। तो इसमें भी अलग है, पिनोहाइड्रोन कीटोन बॉन्ड बन रहा है, पिक्रिक एसिड मल्टीपल स्ट्रक्चर बनते हैं, कैटीन और पॉलीमर, इनकी बात हम करेंगे, डिस्कस करेंगे जब चैप्टर को पढ़ेंगे इसके डिटेल में। ये ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स। अच्छा, इंक्लूजन या ऑक्लूजन क्या है, ये एक तरह का फिजिकल कॉम्प्लेक्स है। फिजिकल कॉम्प्लेक्स से मान लीजिए हमारे पास कोई मॉलिक्यूल ड्रग है, ये इस तरह से सरफेस है, अब कुछ छोटे छोटे पार्टिकल अगर हम ड्रग के इसमें भेजें तो यहाँ आके फंस जाएगा, यहाँ आके फंस जाएगा, यहाँ आके फंस जाएगा। तो अब ऑलरेडी एक कॉम्प्लेक्स बना ना, इनके बीच कोई बहुत केमिकल बॉन्ड नहीं है, लेकिन इनके बीच एक फिजिकल अट्रैक्शन फोर्स है। अब फिजिकल कमजोर तो होता ही है, लेकिन इसके स्ट्रक्चर में फंस गया। ठीक है, हमने कोई स्ट्रक्चर ऐसे बनाया है और उस स्ट्रक्चर में हमारे पार्टिकल आगे से घुस गए, तो अब ये भी तो एक तरह से कॉम्प्लेक्स बन गया, ये इसके बीच कॉम्प्लेक्स बन गया। तो ये क्या है, इंक्लूजन या ऑक्लूजन, जिसमें कोई अंदर समा जाए, किसी पार्टिकल के स्पेस के अंदर कोई दूसरा पार्टिकल समा जाता है, उसी को इंक्लूजन या ऑक्लूजन कहते हैं। इसमें भी चैनल है, लेयर है, क्लैट्रेट्स है, मोनोलेयर है, माइक्रो लेयर है। तो हम अगले लेक्चर्स में बारी बारी से लेक्चर नंबर 2 में इसको खत्म करेंगे, लेक्चर नंबर 3 इसको खत्म करेंगे, लेक्चर नंबर 4 में ये पूरा खत्म करेंगे और चैप्टर हमारा बस आसान से 4 चैप्टर हो जाएगा। ये हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर था, इसको लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए।